कि आप भी एक्शन फिल्में देख देख के बौगला चुके, रोटी खा रहे हो तब भी एक्शन कर रहे हो, पानी पीने जा रहे हो नल पे हत्या के साथ एक्शन करते हो नजर आ रहे हो, भाई साहब आपकी बुद्धि पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है। तो मैं आपके लिए एक ऐसी फिल्म का रिव्यू ले गया हूँ जिसे देखने के बाद आपके सिर पे जो एक्शन का भूत सवार है वो पूरी तरीके से उतर जाएगा और आप रोमांटिक फिल्मों एंड कॉमेडी फिल्मों पे आके अटक जाओगे। ये क्या बात करते हैं यार। हाँ भाई साहब सही बात कर रहे हैं। सुबह सुबह ठंडे पानी से मुंह धोने के बाद सीधा मोबाइल हाथ में लिया तो एक मूवी का ट्रेलर आया पड़ा जिसका नाम है तेरा क्या होगा लवली। एंड फिल्म में हमें एलिना डिसूजा और रणदीप हुड्डा जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से ट्रेलर को रिव्यू कर लेते हैं। अब देखो भाई साहब फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत होते हैं नॉर्थ इंडिया फैमिली से, जहां उस फैमिली में कुछ गिने चुने लोग होते हैं। वहीं उस फैमिली में एक लौंडिया भी होती है जिसका कलर थोड़ा सांवला होता है, देखने में थोड़ी सी भद्दी लगती है वगैरह वगैरह, पिंपल सिंपल ये बहुत सारी चीजें उसके मुंह पे लाइक झलमिलियासी फैप छाप छाप होती है। एंड उस लड़की की फैमिली वाले उसकी शादी को कराने के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन बाई चांस उस लड़की की शादी कहीं से भी फिक्स नहीं होती है, जिसे लेकर उसके फैमिली वाले काफी परेशान हो जाते हैं और वो कई कई जगह से लड़कों को बुलाते हैं देखवाने के लिए, लेकिन हर कोई लड़का उसे रिजेक्ट कर जाता है यही कहकर कि लड़की सांवली है। फिर उसके बाद एंट्री होती है हमारे भाऊ रणदीप हुड्डा हुड्डा की, जो कि हरियाणा फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड इसके अलावा वो एक पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी पहने हुए भी नजर आते हैं, एंड जिसके बाद से गेम पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो जो लड़की होती है रणदीप हुड्डा पुलिस इंस्पेक्टर होने के बावजूद भी उस लड़की के घर जाते हैं उसे देखने के लिए। यहां से ट्रेलर को आगे देखने के बाद मूवी की स्टोरी भी समझ में आ जाती है, जिसमें दिखाया जाता है कि रणदीप हुड्डा उस नॉर्थ इंडियन लड़की के घर जाकर शादी की बातें करते हैं, जिसके बाद से एक नजर में उस लड़की को और रणदीप हुड्डा अपना दिल दे बैठते हैं। और फिर उसके बाद की जो स्टोरी होती है वो काफी रोमांचक होती है, जिसमें रणदीप हुड्डा उस लड़की से प्यार कर बैठते हैं, लेकिन उसके साथ एक और लड़का कोई उसे पसंद कर लेता है, जिसके बाद वो घूमती है और रणदीप हुड्डा काफी परेशान हो जाते हैं, जिससे लेकर वो इधर उधर अपनी पुलिस फोर्स को भी उसके पीछे लगा देते हैं। उसके बाद उसका पता कुछ नहीं चलता, जिसके बाद की स्टोरी मूवी को देखने के बाद पता चलेगी। एंड मूवी को देखने के लिए 8 मार्च तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को 8 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया जाएगा। वही फिल्म में हमें फुल बकचोदी देखने के लिए मिलने वाली है। तो भाई साहब इसी के चलते हुए इस वीडियो में इतने, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।